किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है, ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की ISI और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है, जहां पर अमन व अमान के माहौल में आपसी भाईचारा एक बहुत बड़ी अलामत है कश्मीर की। और इस आपसी भाईचारे को किस तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, किस तरह के आपस में एक दूसरे के ऊपर शक शुबा पैदा किया जाए, किस तरीके से कश्मीरी समाज को बदनाम किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि कश्मीर का अवाम आज अमन के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि जहाँ पर अच्छा माहौल हो, वो चाहता है कि वही भाईचारा जो सदियों से जहाँ पर रहा है उसी तरह का भाईचारा जहाँ पर रहे। केसेस सॉल्व हो गए हैं, इक्का दुक्का केस जो बचा है उसके ऊपर भी पूरी की पूरी मालूमात है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान है, वो भी जल्द ही एक आध केस जो बचा है सॉल्व कर लिया जाएगा। उनकी हर कोशिश के लिए बॉर्डर की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो पर्याप्त है, इफेक्टिव है और हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको चेक किया गया है। बीच में कुछ एक वाकात हुए हैं जिसमें सरहद के ऊपर इनकाउंटर हुए और इन्फिल्ट्रेट करने वाले लोग मारे गए। कुछ वाकात ऐसे भी हुए जहां इन्फिल्ट्रेशन हो करके लोग आगे आ गए, अंदर आकर के इनकाउंटर हुए, ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इक्का दुक्का लोग कहीं बचे बचाए भी हैं, उनकी अब मालूमात हमारे पास है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। विंटर के चलते सुरक्षा की ग्रिड जो है पहले से मजबूत है, उसको और सतर्क रखा गया है ताकि विंटर के दौरान आने वाले टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा ना हो पाए।